सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जापान के टेक्नोलॉजी के बारे में कि क्यों दोस्तों ये जापान की जो टेक्नोलॉजी है इतना आगे क्यों है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो यार कि जो जापान की जो टेक्नोलॉजी वो दुनिया में नंबर वन टेक्नोलॉजी माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ जापानीज टेक्नोलॉजी के बारे में और क्यों दोस्तों ये जापानीज जो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जापानीज जो टेक्नोलॉजी है इसमें दोस्तों जापान ने 3 मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर को इसमें यहाँ पे स्पेंड किया दोस्तों जापान के टेक्नोलॉजी में, ताकि ये जो जापानीज टेक्नोलॉजी है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जापान के जो होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इंसान काम नहीं करते, बल्कि वहाँ पे रोबोट्स वगैरह रखे गए हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे जापान की बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जापान में काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटेड है। यानी कि जैसे कि आप सब लोग जानते हो यार, यहाँ पे होटल में यहाँ पे हमारे को रोबोट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जापान में, और यहाँ पे जो कार्स वगैरह है ये सारे के सारे इलेक्ट्रिफाइड हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, जो यहाँ पे लोग काम नहीं करते बल्कि रोबोट्स काम करते हैं, तो यहाँ पे जो लोगों की सोचने की शक्ति है उसको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जापानीज जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है सोचने के लिए, ताकि वो नए नए इन्वेंशन वगैरह क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो समय जो चीज रहती है ना, ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एक समय अगर चले जाता है ना तो वो वापस दोबारा नहीं आता, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जापानीज लोग करते क्या है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो लोगों ने रोबोट रखा है और जितने की ज्यादा से ज्यादा चीजें होती हैं उसको ऑटोमेटेड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे चीजों को ऑटोमेटेड करने के बाद यहाँ पे होता क्या है, उनका जो काफी सारा टाइम है वो बच जाता है, जिसको वो लोग और भी क्रिएटिविटी में लगाते हैं, ताकि और भी नए नए चीजें जो है उसको डेवलप कर पाए, उसको इंप्रूवमेंट कर पाए। तो दोस्तों, अब चलिए हम जान लेते हैं जापान के कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, जापान जो कंट्री है वो इतना एडवांस क्यों है, इतना आगे क्यों है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो इंटरनेट है वो सबसे पहले दोस्तों जापान को मिला था 1999 में, और दोस्तों यहाँ पे इंडिया को काफी ज्यादा लेट मिला था, और जो दूसरे कंट्री से उसको भी काफी ज्यादा लेट में मिला था, जिसकी वजह से ये थोड़ा जो दूसरे कंट्री से ये थोड़ा स्लो हो गए। लेकिन जो जापान जो कंट्री है उसको सबसे पहले इंटरनेट मिलने के कारण दोस्तों यहाँ पे जापान क्या करते हैं, यहाँ पे नए नए चीजों को खोज करता है और यहाँ पे नए नए चीजों को बनाता है। दोस्तों जापान यहाँ पे बिलीव करता है दोस्तों यहाँ पे नए नए चीजों को इलेक्ट्रीफाई करने में, यहाँ पे जितने सारे चीजें हैं वो सारे को इलेक्ट्रीफाइड करने में काफी ज्यादा बिजी होता है, यानी कि इस पे काफी ज्यादा ध्यान देता है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो वहां के जो कार्स वगैरह होते हैं उनको भी इलेक्ट्रीफाई किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वहां के जो कार्स वगैरह होते हैं वो आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो जो कार है उसको डायरेक्शन दिखा पाए और भी काफी सारी चीजें प्रोसेसिंग वगैरह कर पाए। तो दोस्तों, आखिरी में एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि ये है दोस्तों कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में ज़्यादा बिलीव करता है, क्योंकि दोस्तों जो नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं उस पर तो ध्यान देता ही देता है जापान, और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है उस पर भी ध्यान देता है, उसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, उसको किस तरह से और आगे ले जाया जाता है, इसके बारे में जापान सोचते रहता है। क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हो यार कि जापान के जो सारे सामान वगैरह आते हैं वो काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं, काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं। वरना दोस्तों अगर जापान भी इस पर ध्यान नहीं देता तो बिल्कुल दोस्तों चाइना की हो जाता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो यार कि चाइनी की जो चाइनीज जो सामान वगैरह होते हैं, मशीन्स वगैरह होते हैं, वो काफी कम समय में खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ध्यान वगैरह नहीं देते हैं। और यहाँ पे जो जापानीज जो लोग हैं वहां पे दोस्तों ज्यादा ध्यान देते हैं कि चीजों को किस तरह से इंप्रूव किया जाए और उसको ताकतवर बनाया जाए। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो इंडिया है वो भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता रहा है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा आगे जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतने, और भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है, मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।